पता है यंगस्टर्स को, हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, सॉरी मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आपके जैसे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जैसे प्रोफेसर्स हैं, इनफैक्ट बड़े बड़े कंपनी सेक्रेटरी, छोटे छोटे कंपनी सेक्रेटरी, नॉर्मल लोग, सब लोगों को एक प्रॉब्लम जो है वो डैमेज कर रही है, एक प्रॉब्लम जो है वो बर्बाद कर रही है, सुनहरे भविष्य के ऊपर वाट लगा रही है। क्या है वो प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम है हर एक चीज को टालने की। यार छोड़ना यार, कल करते हैं, अरे कौन पढ़ाई करे यार, बस 10 मिनट में पढ़ाई करने बैठता हूं, 15 मिनट बैठता हूं, अरे कल से पक्का, आज मूड नहीं है यार पढ़ने का, आज मजा नहीं आ रहा है, चाय पी के पढ़ता हूं, खाना खा के पढ़ता हूं, एक नींद लेके पढ़ता हूं। सो चीजें कुछ नहीं हो रही है, चीजें हम टालते जा रहे हैं यार, प्रोक्रेस्टिनेट करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा फेलियर आज की तारीख में, और ये प्रोक्रेस्टिनेशन का सबसे बड़ा कारण है, ये छोटा सा डिवाइस जिसको हम बोलते हैं मोबाइल फोन। भाई चीजें सिंपल है, लाइफ बड़ी सिंपल सी है, सब कुछ अच्छा है। हम सबको पता है कि यार देखो, बचपन से ही माता पिता बोलते हुए आ रहे हैं कि यार अगर पढ़ लोगे तो कुछ जिंदगी में बड़ा करोगे, हमारे सपने पूरे करोगे। जिंदगी साला हमने तुम्हारे चक्कर में उड़ेल दी है, बर्बाद कर दी है अपनी जिंदगी। हमको पता है, हमको भी पता है कि माँ बाप ने हमें बताया कि यार जिंदगी में सब कुछ हमें उनके लिए करना है, लेकिन बच्चों ये भी पता है पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे होशियार, नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे बन जाएंगे गधे, ये भी हमको पता है, ये भी पता है। साला भविष्य जब देखते हैं कि यार लोग इतने ज्यादा परेशान है, कोरोना के टाइम में अच्छे अच्छे लोगों की नौकरी गई है, कोरोना के टाइम में सब सिखा दिया है कि जिंदगी में पैसे की वैल्यू क्या है, एडुकेशन की वैल्यू क्या है, एक सिक्योर्ड जॉब की वैल्यू क्या है, हर एक चीज बता दी गई है। बट समझ में नहीं आता यार हम लोग कौन सी मिट्टी के बने हुए हैं, वाई डोंट वी चेंज, वाई डोंट वी चेंज। बहुत सारे लोग जो है सच में बदल गए हैं, बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में कुछ अच्छा कर लिया है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने देखा है कि यार वो जब यहां पे आए थे और आज जैसे हैं, उनमें बहुत सारा चेंज आया है। बट मुझे एक चीज समझ में नहीं आती यार, हम लोग या बहुत सारे लोग आज भी बदलने के लिए तैयार नहीं है, आज भी वो टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। कोई सीएस स्टूडेंट्स का ग्रुप है और उसमें कुछ मैसेज आता है, कोई लड़की मैसेज करती है, आई एम फाइन, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस सब्जेक्ट, कैन सम बाबू शोना हेल्प मी, ओ वाह, तुरंत अपन रिप्लाई करते हैं, बेबी आई एम देयर, डोंट वरी, यू यू वांट नोट्स, यू वांट दिस, आई एम देयर टू हेल्प यू, आई एम देयर टू असिस्ट यू। सो बच्चों क्यों कर रहे हैं यार ये सब? सो बच्चों सबसे पहली चीज ये है कि सुबह 5 बजे उठ गए हम लोग, और एक्चुअली प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों नहीं आएगा, टालने की आदत क्यों नहीं आएगी? सुबह 5 बजे अलार्म बजता है, हमको उठाता है, हम सबसे पहले टालते हैं। दिन की शुरुआत कैसे होती है? चीजों को टाल के एक 15 मिनट का स्नूज कर देता हूं। 5:15 को बजती है वो गरीब मशीन, फिर 15 मिनट के टाल देता हूं यार। तो यार हो क्या रहा है सुबह मेरी, जब बच्चे जो चीज में बार बार प्रैक्टिस करता हूं मैं वैसा बन जाता हूं। सो हम टालने का काम कर रहे हैं, फिर पढ़ने बैठे किसी का मोबाइल पे व्हाट्सएप आ गया, मजा आ गया। तो बच्चों क्या हो रहा है? सो बच्चों हम सबको पता है कि पढ़ेंगे तो अच्छे बनेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो खराब बनेंगे, पढ़ेंगे तो जॉब लगेगी, नहीं पढ़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, पढ़ेंगे तो माँ बाप के सपने पूरे, सब चीजें जब हमको पता है, सो वाई डोंट वी चेंज। और हमको पता है कि ये नन्ना सा डिवाइस जो है हमारे करियर की पूरी वाट लगा रहा है, ये मोबाइल फोन के चक्कर में सारा हम बर्बाद हो रहे हैं। क्यों हम इसमें अननेसेसरी ऐप, टेलीग्राम डिलीट, जितने भी ये स्टॉक मार्केट वाले ऐप हैं डिलीट कर दो, जितने भी तुम्हारे फेसबुक है डिलीट कर दो, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, ठीक है मेरी फोटोज पे लाइक कम आएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, मैं तुम्हारे लिए इतना सेक्रीफाइस कर सकता हूं, मैं तुम्हें प्यार करता हूं बड़ा, डिलीट कर दो। आइकन अकेडमी का ऐप अगर यूजफुल है रखो, डिलीट कर दो। जितने भी फालतू की कोचिंग क्लास वालों के ऐप है डिलीट कर दो बच्चों, ये सब मैं बोल रहा हूं, मेरे भी ऐप डिलीट कर दो। सो टेलीग्राम को तो सबसे पहले डिलीट करो, ठीक है। सो बच्चों नाउ इफ कोचिंग क्लासेस के हेल्प, अगर आप नोट्स के, अगर आपको ऐप से काम हो रहा है, आप वहां पे नोट्स देख रहे हैं, डेफिनेटली इफ यू आर मेकिंग यूज ऑफ इट प्लीज यूज इट। बाकी जितने भी फालतू के ऐप है, फ्लिपकार्ट, एमेजॉन, फ्लिपकार्ट और एमेजॉन तो सबसे बड़े स्कैम है बच्चों। फ्लिपकार्ट और एमेजॉन पे बच्चों मुझे बताइए, तुम ऐसे ही बैठे रहते हो, जब तुम अपने गोल्स के बारे में सोचते हो, करियर के बारे में सोचते हो, वैसे तुम सोचते हो फ्लिपकार्ट पे तुमको मैसेज करता है कि ये इस चीज के ऊपर इतना ऑफ है। आप फ्लिपकार्ट पे गए, फिर आपने सपने देखने में क्या देखा था, जूते भी देख लिए, नाइकी के ये भी देख लिए, वहां पर टाइम वेस्ट। इन सबके चलते बच्चों तो दो चीजें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, प्रोक्रेस्टिनेशन टालना और दूसरा डिस्ट्रैक्शन।
दोनों ही रिलेटेड प्रॉब्लम है बच्चों, इन दोनों प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है अगर जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। आई होप मेरे द्वारा दी गई सलाह का आप पालन करेंगे, एक अच्छे इंसान बनेंगे। और बच्चों टारगेट तो यही है, टारगेट तो यही है, माँ बाप का हर सपना पूरा करना है, माँ बाप का हर सपना पूरा करना है बच्चों। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए, बट माँ बाप का सपना पूरा करना है। लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बच्चों।